हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 के बारे में। और इस वीडियो में आपको अंडर 19 वर्ल्ड कप का पूरा डिटेल देंगे, साथ ही साथ इंडिया के मैचेस का पूरा शेड्यूल देंगे कि इंडिया के कितने मैच खेलेगी इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में और वो मैचेस किस तारीख को कितने बजे और कौन से स्टेडियम में खेले जाएंगे। तो गाइस पूरा डिटेल आज आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप चाहते हो कि टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप को जीते तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और क्रिकेट से जुड़ी सभी न्यूज सबसे पहले पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूले। तो गाइस सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस बार का आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 17 जनवरी को शुरू हो रहा है, और इस टूर्नामेंट का जो फाइनल मैच होगा वो 9 फरवरी को खेला जाएगा। और गाइस अंडर 19 वर्ल्ड कप का पहला मैच साउथ अफ्रीका अंडर 19 वर्सेस अफगानिस्तान अंडर 19 के बीच होगा, और यह मैच 17 जनवरी को खेला जाएगा। उसके बाद गाइस चलिए हम आपको इंडिया के मैचेस का पूरा शेड्यूल दे देते हैं। तो गाइस अंडर 19 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया अपने सफर का आगाज श्रीलंका अंडर 19 के अगेंस्ट मैच के साथ करेगा, और इंडिया का पहला मैच 19 जनवरी को श्रीलंका अंडर 19 के अगेंस्ट होगा, और यह मैच ब्लूमफोंटेन शहर में खेला जाएगा। उसके बाद गाइस इंडिया का दूसरा मैच 21 जनवरी को जापान अंडर 19 टीम के साथ होगा, और यह मैच भी ब्लूमफोंटेन में खेला जाएगा। उसके बाद गाइस इंडिया का तीसरा लीग मुकाबला 24 जनवरी को न्यूजीलैंड अंडर 19 टीम के साथ होगा, और यह मैच भी ब्लूमफोंटेन शहर में खेला जाएगा। और गाइस ये जो तीनों टीम इंडिया के लीग मैचेस हैं, ये तीनों ही मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर के 1:30 बजे यानी कि 1:30 से खेले जाएंगे। उसके बाद गाइस इंडिया को लीग मैच में सिर्फ 3 मैच खेलने हैं। उसके बाद अगर इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा रहा और इंडिया इन तीनों में से कम 2 मैचों को जीतती है तो इंडिया अगले स्टेज के लिए क्वालिफायर कर जाएगी। उसके बाद टीम इंडिया प्लेट क्वार्टर फाइनल खेलेगी, और अगर वहाँ भी जीतती है तो उसके बाद सुपर लीग क्वार्टर फाइनल खेलेगी, और अगर वहाँ भी परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो उसके बाद प्लेट प्ले ऑफ सेमीफाइनल होगा, और उसके बाद अगर वहाँ भी टीमों का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो उसके बाद प्लेट फाइनल खेलेगी, और अगर वहाँ भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करती है टीम इंडिया तो उसके बाद सुपर लीग सेमीफाइनल स्टेज के मैचेस खेलेगी, और अगर सुपर लीग सेमीफाइनल को भी जीत जाती है तो उसके बाद टीम इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेगी जो कि 9 फरवरी को खेला जाएगा। तो गाइस यही था अंडर 19 वर्ल्ड कप का पूरा डिटेल, साथ ही साथ मैंने आपको टीम इंडिया के भी सभी मैचों का डिटेल दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और क्रिकेट से जुड़ी सभी न्यूज सबसे पहले पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें।